पास पार्सल वाले का फोन नहीं आया है, तो शायद तैयार है। पेंडिंग में था, प्रोसेसिंग में था, वो नहीं आ पाया था। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और कल का जो ब्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। आज के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शोएब खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शोएब स्टाइल ब्लॉग। मैंने आपसे कल ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको हेलमेट का पूरा सेटअप करके दिखाऊँगा और कैसे मुझको हेलमेट में अपना कैमरा माउंट करना है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊँगा। आज फ्राइडे है, सो पहले मुझको नमाज के लिए जाना है। नमाज के बाद मैं आज आपको पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ मोटो ब्लॉगिंग का। और उसके बाद मैंने आपसे कल ये भी बोला था कि मेरा एक पार्सल था जो दिवाली की वजह से पेंडिंग में था, प्रोसेसिंग में था, वो नहीं आ पाया था। कल मेरे पास उसका मैसेज आया है कि वो ब्लू डार्ट कंपनी के थ्रू डिस्पैच हो चुका है। सो आज शायद मुझे उसको लेने जाना होगा और लेने जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। फाइनली हम नमाज के बाद वापस आ चुके हैं और अब मैं आप लोगों को अपना पूरा हेलमेट का जो सेटअप है वो को दिखाने वाला हूँ। और गाइज, अभी तक मेरे पास पार्सल वाले का फ़ोन नहीं आया है, तो शायद हमें आज नहीं डिलीवर्ड कर पाएगा वो। लेकिन जो पार्सल मैंने आपको दिखाया है उससे पहले का बुक हुआ है वो, और लेकिन अभी तक डिलीवर्ड नहीं कर पाए। आज उसका फ़ोन भी नहीं आया, शायद कल आए, तो कल हम दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हम कैसे करते हैं सेटअप वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, फाइनली मैं अपने हेलमेट का सेटअप वो करके आपको दिखाने वाला हूँ। नमाज के बाद मैं आ गया हूँ, अब मैं आपको सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको हेलमेट के साथ एक टी चाहिए, ये हमारे पास है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, हमारे पास है। तो इसमें लगाने के लिए हमें चाहिए माउंट। ये वाला जो माउंट है वो मेरे गोप्रो के साथ आया था, इसके साथ भी एक माउंट आया था, लेकिन वो थोड़ा इसमें एडजस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, और मुझे भी थोड़ा सही नहीं लगा। मैंने अपना ऑरिजिनल गोप्रो का माउंट लगाना है इसमें, तो मैं लगाता हूँ। ये हो गया फिट इसके अंदर। हमें इसके लिए थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा इससे गैप मिल जाएगा हमें, ताकि हम अपना कैमरा एडजस्ट कर सकें कोई भी व्यू लेने से पहले। कोई भी व्यू अगर हम लेंगे तो हम अपना कैमरा एडजस्ट कर लेंगे और हम इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया। तो भाई, अब हमको कैमरा लगाने से पहले ये टी जो है अपने हेलमेट में सेट कर देनी है। कैसे करनी है वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने हेलमेट ले लिया, ये लग गई गाइस हमारे हेलमेट में टी, काफी मजबूत हो चुकी है। हिलने का कोई मतलब ही नहीं, ये लग गई हमारे हेलमेट में टी, हिल नहीं रही बिल्कुल भी। और ये हमने माउंट एक अलग से लगाया है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो माउंट है वो मैंने लगाया क्यों, वो इसलिए लगाया है कि गाइस जब हम इस कैमरे को इसके अंदर माउंट करेंगे, ये हमने किया, इसमें गाइस हमें थोड़ी गैपिंग मिल जाएगी। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये मिल जाएगी इस माउंट के थ्रू, इस वाले की। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से लगाता तो ये जो है इस तरीके से मूव नहीं कर पाता गाइस, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें मैं अंदर हेलमेट में से जब कैमरे में देखता हूँ तो भी मैं अपनी नॉर्मली देख सकता हूँ अंदर, और मेरे को पता लगता है कि क्या सूट हो रहा है, क्या व्यू आ रहा है। ये हो गया हमारा सेटअप का, एडेप्टर का जो है वो इसमें लगा देना है ये वायर। अब रहती है गाइस, ये हो गया सेटअप हमारा पूरा मोटो ब्लॉगिंग का। हेलमेट में बिल्कुल लग चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बात रहती है वॉइस की बात, तो मैंने ये वाला जो माइक है लवेलियर का माइक्रोफोन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं आप। ये गाइस माइक है, इसमें कोई ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं है, सिर्फ ये सिंपल सी माइक है, एक छोटी वायर है, नहीं ज़्यादा लेंथी वायर है। जैसे अगर कुछ बोया की आती हैं माइक और भी आती हैं और मोआना की आती हैं, वो माइक जो होती हैं उनमें वायर बहुत सारी होती है, तो हमें हेलमेट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है गाइस। ये आप सिंपली नॉर्मल एक माइक है, इसको आप GoPro के एडाप्टर में लगाएंगे। इस वाले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले जैक में ये अंदर लग जाएगा और उसके बाद ये जो वायर है आप यहाँ पर कहीं पे मतलब हेलमेट के अंदर सेट कर लें अपने हिसाब से। सो गाइस, हमारा जो मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है वो तैयार हो चुका है, ऑलरेडी तैयार है।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज़।